अगर आप चाहते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान औरत को भरपूर लज्जत मिले तो इन तीन तरीकों से औरत के साथ हम बिस्तरी करें, औरत आपकी दीवानी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कुदरत की पैदा की गई नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत औरत के रूम में पैदा की गई है। इस कायनात का वजूद औरत के वजूद के बग़ैर बेरौनक होता। अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया और मर्द के अंदर औरत को मोहब्बत करने वाला दिल पैदा किया। औरत जब किसी भी मर्द की फितरत के ख़िलाफ़ चलती है तो यकीनन मर्द खसारे में रहता है, मर्द को बहुत बड़ी कीमत झुकाना पड़ जाती है। बदकिस्मती से जो औरत अपने किरदार के हवाले से ख़राब हो, ऐसी औरत हर दूसरे मर्द से मिलना पसंद करती है। ऐसी औरत मर्दों से हम बिस्तरी करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। अगर मर्द ऐसी औरत को हम बिस्तरी के दौरान अपना दीवाना बनाना चाहता है तो उसको इन तीन तरीक़ों से हम बिस्तरी करे, औरत सारी ज़िंदगी उसकी दीवानी रहेगी। नंबर एक, औरत के साथ डॉगी स्टाइल में हम बिस्तरी करना। अगर आप किसी भी औरत को हम बिस्तरी के दौरान पागल करना चाहते हैं तो औरत से इस अंदाज़ में हम बिस्तरी करें। इस अंदाज़ में औरत पूरी तरह मर्द के काबू में होती है। हम बिस्तरी के इस अंदाज़ में औरत घोड़ी बन जाती है और मर्द उसकी बैक साइड पर खड़ा होकर या बैठकर उसके साथ हम बिस्तरी करता है और अपना अज़ूए तनासल पूरे का पूरा औरत के अंदर दाखिल कर देता है। औरत इस अंदाज़ में मज़ा लेने और चीहे मारने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाती और हम बिस्तरी के इस अंदाज से भरपूर लुत्फ उठाती है। नंबर दो, औरत को नीचे लिटाकर और ख़ुद ऊपर होकर हम बिस्तरी करें। अगर आप किसी भी औरत को हम बिस्तरी के दौरान लज्जत से पागल करना चाहते हैं तो औरत को नीचे लिटाकर हम बिस्तरी करो। हम बिस्तरी के इस अंदाज़ में औरत नीचे होती है और मर्द उसके ऊपर आकर उसके अंदर अपना नफ्स डालता है और ऊपर नीचे हरकत करता है। इस अंदाज़ में औरत मुकम्मल तौर पर मर्द के काबू में होती है। हम बिस्तरी के इस अंदाज़ में जब मर्द औरत के अंदर नफ्स डालकर हरकत करता है तो औरत उसी वक्त लज्जत से पागल होकर उस मर्द की दीवानी हो जाती है और हम बिस्तरी के इस अंदाज़ में औरत उस मर्द से मुतमिन हो जाती है। नंबर तीन, जिस मर्द ने औरत को जोली में बिठाकर हम बिस्तरी कर ली तो फिर बस। अगर आप चाहते हैं कि औरत को अपना दीवाना बना लें तो हम बिस्तरी के इस अंदाज़ को अपना लें। औरत अपना सब कुछ आप पर लुटा देगी। औरत को अपनी जोली में बिठाकर हम बिस्तरी करने से औरत को बहुत तस्कीन मिलती है क्योंकि औरत इस अंदाज़ में अपनी मर्ज़ी से हम बिस्तरी करती है। इस अंदाज़ में औरत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक भरपूर तरीके से हम बिस्तरी करती है और यहाँ तक मुमकिन हो जाता है कि औरत मर्द को अपने काबू में कर लेती है और अपनी मर्ज़ी से मर्द के नफ्स को अपने अंदर बाहर करती है जब तक वो चाहती है। इस अंदाज़ में औरत भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होती है और औरत हम बिस्तरी के इस अंदाज़ को बहुत पसंद करती है।